ऐसे तिरुपति के प्रसाद में मिलावट की खबर के बाद देखिए हलचल बढ़ी है। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य में भी इस मुद्दे को उठा दिया गया है और इसमें कहा गया है अयोध्या में भी भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर तिरुपति से 1,00,000 लड्डू भेजे गए थे। अब ये साफ हो गया है कि प्रसाद में चर्बी मिलाई गई। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था से बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, महंत राजूदास इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। महंत राजूदास जी, ये खबर जानने और सुनने के बाद तो मेरा मन तो बहुत आहत है, क्योंकि यही तिरुपति यहाँ से वो 1,00,000 लड्डुओं वाला प्रसाद जो अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भी पहुंचा था, और अब इस खबर का खुलासा हो रहा है कि यहाँ तो प्रसाद में, लड्डू प्रसाद में चर्बी मिला दी गई। नहीं, दुर्भाग्य की बात है, मैं अभी बंगलोर एयरपोर्ट पे हूँ और आपने देखा होगा कि मेरे बाल वाल जो है नहीं है, तो मैंने तिरुपति बालाजी भगवान को हमने अपने बाल समर्पित किया और दर्शन पूजन किया, और दर्शन पूजन करके अभी मैं तुरंत बंगलोर एयरपोर्ट पहुंचा हूँ। जब ये कल से सुना हूँ तो मेरी आत्मा बहुत कुंठित हुआ, क्योंकि मैं आज से 6 महीने पहले भी आया था, बाल दान किया था और प्रसाद खाया था, और उसके पहले भी 4 महीना पहले भी आया था। तो मैं वैष्णव परंपरा के मानने वाला हूँ और प्याज लहसुन तक हम लोग नहीं खाते हैं, और गाय की चर्बी, फिश, बीफ ऑयल, लॉर्ड इस प्रकार से उसमें समाहित करके हमको प्रसाद दिया जा रहा है, तो आस्था के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है। दुर्भाग्य की बात है कि मैं आभार व्यक्त करता हूँ वर्तमान मुख्यमंत्री जी का, ये पोल खोला, लेकिन दुख इस बात के है कि जिस प्रकार से जगनमोहन रेड्डी और कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ इतने दिन से चल रहे थे, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हम अब प्रसाद में भी इस प्रकार से खेल खेला जा रहा है, इस प्रकार से ठेस पहुंचाया जा रहा है, आस्था की विश्वास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग चिंतित हैं और मैं मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको फांसी होना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर में 1,00,000 लड्डू आए थे जी, और सभी भक्तों को वो लड्डू प्रसाद राम जी को चढ़ाया गया और साधु संतों को खिलाया गया। तो मैं यही निवेदन करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि इसमें सख्ती से जो जो लोग गुनाहगार हैं उनके सख्त सजा होनी चाहिए, और मैं मांग करता हूँ माननीय सोनिया गांधी जी साथ रहिए। वाकई में देखिए कहीं ना कहीं ये आस्था से बहुत बड़ा खिलवाड़ जिसका खुलासा अब जाकर हो रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता कि तिरुपति वहां जो लड्डू प्रसादम दिया जाता है, उस लड्डू वाले प्रसाद में जानवर की चर्बी, बीफ लार्ड, फिश ऑयल, उसकी मिलावट की गई थी। मतलब कल्पना से भी परे बात है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो आस्थावानों का देश है और हम सबकी आस्था का यहाँ पर सम्मान करते हैं। ऐसे में तिरुपति के लड्डू प्रसाद में चर्बी मिला देना वाकई में बेहद मन को आहत करने वाली ये खबर है। और इस बीच मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश की डिप्टी सीएम है पवन कल्याण, उन्होंने बड़ा बयान दिया। वो कह रहे हैं देश के सभी मंदिरों के लिए एक बोर्ड का गठन होना चाहिए, सनातन धर्म रक्षण बोर्ड, इसका गठन किया जाए। ये पवन कल्याण की तरफ से मांग की जा रही है। सनातन धर्म के अपमान के खिलाफ सभी को साथ आना होगा, प्रसाद में पशु चर्बी के मामले में कड़ा एक्शन लेंगे। आंध्र सरकार में शामिल पवन कल्याण, प्रदेश में डिप्टी सीएम पवन कल्याण, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। तो सनातन धर्म के अपमान के खिलाफ सभी को साथ आना होगा, ये पवन कल्याण की तरफ से आह्वान किया जा रहा है। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म रक्षा के लिए एक बोर्ड बनाने की जरूरत है, सनातन धर्म रक्षण बोर्ड, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया जाना जरूरी है। ये मांग पवन कल्याण की तरफ से की जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, ज्योत्सना जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। ज्योत्सना जी, यहाँ कहीं ना कहीं जो तिरुपति तिरुमला बोर्ड है वो भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में सीधे सीधे आप लोगों की तरफ से निशाने पर जगनमोहन रेड्डी की सरकार, पिछली सरकार, तो क्या बोर्ड को क्लीन चिट आप लोग दे रहे हैं और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? ये राजनीतिक तौर पर आपसे सवाल पूछा जाएगा, इसका जवाब क्या? हमने कभी भी वो बोर्ड को छोड़ा नहीं है। हमारे जो तरफ से है पहला जो उंगली उठा है वो बोर्ड के तब के चेयरपर्सन वाईवी सुब्बा रेड्डी, जो जगनमोहन रेड्डी के रिश्तेदार हैं, जगनमोहन रेड्डी के रिश्तेदार ही है वो। उनके बाद, सुब्बा रेड्डी जी के बाद भूमन करुणाकर रेड्डी जी थे, वो भी जगनमोहन रेड्डी के रिश्तेदार थे। दोनों उनके समय पे जो दोनों चेयरपर्सन है दोनों भी जगनमोहन रेड्डी के रिश्तेदार हैं। तो इन सबको लेके बिल्कुल हमारे तरफ से
हम लोगों ने पहले पहले दिन से ये बोल रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर समग्र विचारण होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात है, कल जब ये बात बाहर आया तो तब के चेयरपर्सन सुब्बा रेड्डी जी बाहर आके ये बोलते हैं ये तो बेसलेस एक्यूजेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमने तो ऑर्गेनिक लिया, हमने तो ये लिया, हमने तो वो लिया, मैं चाहे यहाँ आ जाके प्रमाण करता हूँ भगवान के सामने। ज्योत्सना जी, पिछले 3 महीने से आंध्र प्रदेश में आपकी सरकार है, मैं बस इतना जानना चाह रही थी कि ये जो सैंपल जिनका टेस्ट हुआ है, जिनकी लैब रिपोर्ट आई है, ये कब का सैंपल है? ये जब हमारी सरकार आने के बाद का सैंपल है, मतलब क्योंकि उससे पहले मैंने जैसे बोला है ना रमाना जी, कई बार कंप्लेंट्स आए, कई बार हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, जब भी हम ऑपोजिशन में थे फिर भी हमने रिक्वेस्ट किया था, डिमांड किया था कि भाई उसके ऊपर कुछ तो करो आप लोग, ठीक है, भक्तों के इसके साथ आप आस्था के साथ खिलवाड़ ना करो, ठीक है, कुछ तो करो, एक इंक्वायरी करो, उन्होंने कभी नहीं किया। तो हमारी जैसे ही सरकार आई थी हमारी ये कमिटमेंट थी रोमाना जी, हमने भक्तों को ये कमिटमेंट दिया था कि जो भी गलत चीजें हो रही है वहां पे तिरुमला में हम उनको खत्म करेंगे। तो पहला काम हमने ये किया था कि वहां पे विजिलेंस इंक्वायरी स्टार्ट किया था, जैसे ही विजिलेंस इंक्वायरी स्टार्ट हुए ये चीज बाहर आई तो इमीडिएटली जो भी वेंडर है उसको इमीडिएटली निकाला गया, और उसी दिन से मतलब जैसे ही रिपोर्ट बाहर आया उस दिन के बाद नंदिनी घी को फिर से लाया गया। ज्योत्सना जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि इस खबर को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं, उन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो अपने सवाल आपके सामने रखकर आपके जवाब के जरिए लोगों तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।